गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 मिलियन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज गाइस जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल 10 मिलियन को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। तो आज आपके लिए मैं फोन लेकर आया हूँ, शायद वन प्लस नोट ऐसा कुछ फोन है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ फुल स्पेसिफिकेशन। तो प्लीज गाइस वो शायद होगा नवंबर में शायद लॉन्च, तो मैं सोचा पहले आपके कुछ लीक्स आई हैं उसके बारे में बता दूं लेटेस्ट न्यूज। तो प्लीज गाइस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना अगर आप वन प्लस के फैन हैं। तो अगर आपने शायद मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो प्लीज गाइस वो आप जाकर जरूर देखना। तो वीडियो को करता हूँ स्टार्ट और बताता हूँ कि कौन सा मैं फोन लेकर आया हूँ, कौन सा लेटेस्ट फोन है और इसका प्राइस क्या रहने वाला है, इसके परफॉर्मेंस क्या है, इसका कैमरा क्या है। तो प्लीज गाइस स्किप बिल्कुल मत करना और लास्ट तक देखना। तो वीडियो को करता हूँ स्टार्ट और बताता हूँ कौन सा फोन है, वन प्लस नोट 3 5G। वन प्लस नोट वी आ चुका है फोन, ये लॉन्च होगा नवंबर में, इसका प्राइस बताऊंगा लास्ट में। तो फर्स्ट ऑफ बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस पर, सीधे ही आते हैं कि परफॉर्मेंस कितना रहने वाला है। मीडिया टेक डिमेंसिटी 1200 दी हुई, इसमें मीडिया टेक दिया हुआ है, मीडिया टेक भी बहुत अच्छा दी, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है क्योंकि मेरे पास ही फोन है शायद मी का, उसमें भी मीडिया टेक दिया हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत फास्ट वर्किंग करता है। नेक्स्ट है इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर की अगर बात करूं तो आपको 3 GHz सिंगल कोर प्लस 2.6 GHz ट्राई कोर प्लस 2 GHz क्वाड कोर के साथ ये आ रहा है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसमें 8 GB रैम ही दी हुई है साथ में, 8 GB रैम। तो नेक्स्ट है इसकी डिस्प्ले पर आ जाते हैं कि इसकी डिस्प्ले कैसी रहने वाली, इसमें OLED दी हुई है या AMOLED दी हुई है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको बस जो इसमें दिया हुआ है वो आपको रीड करके बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस क्या है। 6.43 इंच डिस्प्ले दी हुई है, फ्लूड AMOLED दी हुई है साथ में, और 1080x2400 पिक्सल भी दिया हुआ है साथ में, और 90 Hz रिफ्रेश रेट भी दिया हुआ है साथ में, अच्छा दिया हुआ है। नेक्स्ट है कैमरा की, इसमें कैमरा कितना है, तो कैमरे की बात ट्रिपल कैमरा के साथ आ रहा है। फर्स्ट कैमरे की अगर बात करूं तो आपको 50 MP वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है, 12 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया हुआ है, और 5 MP कैमरा भी दिया हुआ है। गाइस एक बार फिर सुन लो, 50 MP जो कैमरा जो वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा है, 12 MP है का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और 5 MP कैमरा भी दिया हुआ है विद LED फ्लैशलाइट भी दी हुई है, और इन्होंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग दी हुई है मतलब की 1920x1080 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी हुई। अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर है तो आप इससे आप फोन को वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रंट कैमरा, अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं आपको 32 MP वाइड एंगल लेंस कैमरा भी दिया हुआ है साथ में, दूसरे सुन लो 32 MP वाइड एंगल लेंस कैमरा दिया है, और फुल HD FPS वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर आप ब्लॉगर हो, यूट्यूब पर ब्लॉग बनाते हैं तो आपके लिए फुल HD FPS वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और इससे आप ब्लॉग को रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें बैटरी दी हुई है 4300 mAh बैटरी दी हुई है। तो नेक्स्ट है इसमें फास्ट चार्जर होगा कि नहीं, गाइस इसमें फास्ट चार्जर इन्होंने दिया है, मुझे तो पढ़कर बहुत शॉकिंग लग रहा है कि इसमें 120 वाट बल्ब चार्जिंग भी दिया हुआ है विद USB Type-C पोर्ट भी दिया हुआ है। 120 वाट फास्ट चार्जर बल्ब, वाओ। नेक्स्ट है इसमें इंटरनल स्टोरेज की अगर बात करें तो आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज भी दी हुई है, और नॉट एक्सपेंडेबल भी दिया हुआ है साथ में। तो लास्ट ऑफ बात करते हैं इसके प्राइस क्या रहने वाला है, अगर आपका बजट 28K मतलब
28,000 है तो आप इसको नवंबर में बाय कर सकते हो, वन प्लस नोट 3 5G के साथ आया है। तो मुझे आप इतना बताओ कि आपको ये फोन कैसा लगा, और एक बार फिर से मैं कुछ डिटेल में जो मिसिंग रह गया हो आपकी नजर में तो मैं एक बार फिर से बताने जा रहा हूं। रैम दी हुई है इसमें 8GB, प्रोसेसर दिया हुआ है इसमें मीडियाटेक डोमेस्टिक 1200। नेक्स्ट है कैमरा की बात करें तो आपको 50MP प्लस 12MP प्लस 5MP विद LED फ्लैशलाइट। फ्रंट कैमरा 32MP, बैटरी 4300mAh बैटरी, डिस्प्ले 6.4 इंच डिस्प्ले। ये नवंबर में लॉन्च होगा, 10 नवंबर को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दी हुआ है, अनऑफिशियल दिया हुआ है, क्या पता नवंबर के स्टार्टिंग में लॉन्च हो या नवंबर के लास्ट में लॉन्च हो। तो रैम की अगर बात हो तो 8GB रैम के साथ दी हुई है, और स्क्रीन तो आपको बताइए 6.43 इंच स्क्रीन दी हुई है। ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है इसमें, फ्रंट 32 और इसमें इंटरनल स्टोर है 120GB इंटरनल स्टोर दी हुई है, और नेटवर्क सपोर्ट दिया है इसमें 5G सपोर्टेड बाय डिवाइस नेटवर्क नॉट बी रोल्ड आउट ऑफ इंडिया। मतलब कि इन्होंने बताया है कि इसमें 5G तो दिया हुआ है पर अभी तक इंडिया में जो इन्होंने नॉट रोल्ड मतलब कि अब तक लॉन्च नहीं किया। जब 5G आएगा, 5G सिम आएगी तो आप इसमें 5G यूज कर सकते हैं, और इसमें ओनली 4G सपोर्टेड इंडिया ब्रांड, जो 4G एयरटेल जियो ऐसे आइडिया है जो 4G यूज कर रहा है, 3G और 2G। तो सब कुछ इन्होंने बता दिया, फुल डिटेल में सेंसर होगा इसमें, फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन दिया हुआ है। तो इसका प्राइस रहने वाला है 28,000, मतलब कि 28,000 अगर आपका बजट है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और गाइस मुझे प्लीज कमेंट में बताना कि आपको ये फोन कैसा लगा, वन प्लस नोट 3 5G, और इसको आप बाय करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, तो आपको हर एक लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। तो प्लीज गाइस मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो।